हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एग्जाम परफेक्ट चैनल में। हम देखने वाले हैं क्लास 11th का आपका जनरल इंग्लिश का पेपर होने वाला है। पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो में। रियल पेपर है एकदम एकदम, जो आपका कल आने वाला है 14 सितंबर को। तो आप इस पेपर को अच्छे से कर लें, ठीक है। तो और साथ ही साथ ही मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रियल पेपर है, ठीक है। और साथ ही साथ बताऊँगा मैं आपको इसमें सॉल्यूशन। तो आपको को क्या करना है कि सबसे पहले लाल बटन यानी कि सब्सक्राइबर करना है चैनल को, यानी सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा हो सके, ठीक है। अब हम करते हैं आपको वीडियो को स्टार्ट। जो आप क्लास रहेगी आपकी 11th पेपर रहेगा जनरल इंग्लिश का कल यानी 14 सितंबर को, ठीक है। तो पहला दिया है कि रीडिंग कंपेरिजन्स, यानी रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग डेट फॉलो। आपको क्या करना है कि इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके बाद करना है आपको उसके आंसर सॉल्व। परंतु आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पूरे सॉल्यूशन आपको दे दिया है, ठीक है। तो आप पहले प्रश्न, दूसरा प्रश्न, सभी प्रश्न लगातार देखते चलें, और जहाँ जहाँ नीला हो रहा है वो उसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो हम पहला पढ़ लेते हैं। फिर भी देखो दोस्तों, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब तो करी हैं, आपको करना ही पड़ेगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अब जो रहेगा पहला प्रश्न कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन टू यूज अल्टरनेटिव एनी रिसोर्स। तो इसमें सी वाला आएगा बहुत, ए एंड बी, यानी कि पहला और दूसरा सही रहेगा, लेकिन कहाँ सही रहेगा, सी वाले से, ठीक है। तो इसी प्रकार दूसरा वाला दिया गया है आपके लिए 8400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, चैट को कर लो ओपन। उसके बाद आपको अपने डाउट का खींचना है फोटो और उसे करना है क्रॉप। 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जी नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की बच्चे, अभी जाओ 8400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप करें और अपना डाउट को आउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका तीसरा वाला, इसी प्रकार दिया गया है तीसरा वाला, चौथा वाला, ठीक है, चौथे वाला। अब तीसरे वाले का आंसर सही रहेगा पहले वाला, और चौथे वाले का आंसर सही रहेगा डी वाला, पाँचवें का आंसर सही रहेगा पहले वाला, ठीक है। तो आपको संपूर्ण पेपर यहाँ पे बता दिया जाएगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। तो इस प्रकार सातवें वाले का दूसरे वाला, आठवें वाले का दूसरे वाला। अब आता है आपका नवा का, चूज द स्टेटमेंट विच इज द फेल्स अकॉर्डिंग टू द अबव फेसेस। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करना है, ठीक है। तो इन सभी के आंसर आपको दिए जाएंगे, ठीक है, यानी कि ये आंसर ही है, ये पहला आंसर ही है, ठीक है। अब आता है टेंथ वाला, तो टेंथ में सही रहेगा ट्रू, ठीक है। और इसी प्रकार आता है दूसरा वाला, प्रायोरिटी सेक्शंस यानी कि स्टैंजा, यानी कि जो आपसे आपके पार्ट से लिए गए हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को उत्तर भी आपको साथ ही साथ बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। पहला दिया गया दूसरा, 11वां 12वां 13वां 14वां, ठीक है। इसी प्रकार आपके लिए सभी प्रश्न दिए गए हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे पार्ट 3, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। तो इसमें टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन दिए हैं 15वां का 16वें का 17वें का और 18वें का, ठीक है। तो इसी प्रकार सभी प्रश्नों के यहाँ पे उत्तर दिए गए हैं। इसी प्रकार देख लेंगे हम 18वां वाला 19वें वाला, इसी प्रकार 20वां 21वां 22वां, ठीक है। यानी कि सभी प्रश्नों के लगातार हम आंसर देख रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। लगातार आपके लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको सभी कुछ करना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, आपको पूरा सॉल्यूशन दिया, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को कर दो सब्सक्राइब।